और अब रुख करेंगे बोकारो का, जहां जैना मोड़ के बालीडी थाना पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। यहां पुलिस ने तीन युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इन युवकों का जुर्म केवल इतना था कि मोबाइल पुलिस के जवानों ने इन्हें आवाज लगाई थी, पर ये उनकी आवाज सुन नहीं पाए, जिसका नतीजा या यूं कहे खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। इन्हें इतना पीटा गया कि आखिरकार इन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। शरीर के चोट के निशान भी कैमरे को दिखाते हुए और यह सवाल भी कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के माध्यम से पूछते हुए, आखिर इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों? बोलने का चांस ही नहीं दिया, एकदम पूरा मार, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जानवर को मार रहा, बहुत लाठी लाठी मारने लगा। उसके बाद वहाँ एक आदमी बोल रहा है कि क्यों मार रहे भैया लोग, तो लोग डायरेक्ट बोल रहा है, बोलने का चांस ही नहीं दिया, एकदम पूरा मार, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जानवर को मार रहा, बहुत लाठी लाठी मारने लगा। उसके बाद वहाँ एक आदमी बोल रहा है कि क्यों मार रहे भैया लोग, तो लोग। कृष्णा दत्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी कृष्णा, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछना बनता है कि एक तरफ तो गंभीर घटनाओं को अंजाम देने वाले जो लोग होते हैं प्रवृत्ति के, वो तो बच जाते हैं, लेकिन इतनी छोटी सी और मामूली सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा, पूरा वाक्य बताएं विस्तार से। सुन पा रहे हैं आप हमें कृष्णा? मुझे लगता है अपने सहयोगी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है तकनीकी कारणों की वजह से, लेकिन यह बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ इतनी छोटी सी कसूर के लिए पुलिस ने इन तीन लड़कों को इतनी बेरहमी के साथ पीटा है कि आखिरकार इन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। हो सकता है इन्हें आवाज सुनाई नहीं दी होगी, लेकिन क्या उसका खामियाजा इतना महंगा होगा? और यह भी जानने की जरूरत है कि आखिर पुलिस ने अगर उन्हें आवाज लगाई भी थी तो आवाज लगाने का कारण क्या था? यदि कारण इतना पुख्ता था कि इन्हें इस तरह वरवर तरीके से पीटा गया, ये कोई वांटेड कैदी थे या कौन सी ऐसी बात थी जिसके लिए पुलिस ने अपना इतना गुस्सा जमकर निकाला, यह भी शायद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। सहयोगी कृष्णा एक बार पुनः हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी कृष्णा, सबसे पहला सवाल फिर से दोहराऊंगा, इतनी भी क्या बड़ी गलती कर दी इन तीन युवकों को कि ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ा, अस्पताल एडमिट होने पड़ा? ऐसा लगा कि जैसे मोस्ट वांटेड अपराधी को पुलिस पकड़ रही थी। और ये लोग के अनुसार इन लोगों ने कहा कि नहाने गए थे, तो आते वक्त जो मोबाइल था दोस्ती था, उन लोगों ने इनको टोका कि कहाँ जा रहे हो। तब ये लोग थोड़ा सा नया लड़का था और कम उम्र का है, तो ये लोग मतलब अनसुना करके और जाने लगा। तभी उन्होंने जो है इनको टोका और फिर पकड़ कर फिर पीछा किया और पीछा करके फिर इन लोगों को पिटाई किया। पुलिस ने पीछा करने का कारण कुछ बताया या चुप्पी ही साधी हुई है पुलिस? अभी तक तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। और यहाँ रेफर अस्पताल लाए हुए थे इन लोगों को इलाज के लिए, तो फिर यहाँ पर इलाज के दौरान उन लोगों का पूरा जो पिटाई किए थे, तो इन लोगों ने बयान दिया। तो क्या माना जाए, पुलिस ने ही ये कार्रवाई की है और पुलिस को ही संज्ञान में भी लेना है पूरा मामला, तो पूरी लीपापोती होगी यही उम्मीद की जाए प्रशासनिक? हो सकता है सर, हो सकता है। चलिए बिल्कुल, और यही उम्मीद भी की जा सकती है बदहाल सिस्टम से। यदि खुद सुरक्षा प्रदान करने वाले लोग ही इस तरह का काम करेंगे तो आखिर अनुसंधान कौन करेगा? हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्णा, तमाम बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।